डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से मुझे समय नहीं मिल रहा है, कुछ दिनों से थोड़ा डिस्टर्ब हूँ, जिसके वजह से मैं संडे को वीडियो बना नहीं पा रहा हूँ, वीडियो कोई भी आप लोगों को दे नहीं पा रहा हूँ, कुछ ना कुछ काम ऐसा पड़ जाता है जिसके वजह से मैं काफ़ी डिमोटिवेट हो चुका हूँ। वैसे तो मैं डिमोटिवेट होता नहीं, डिप्रेस होता नहीं, लेकिन फिर भी जब आपका काम रुक जाता, जब आप जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं, उसके वजह से डिप्रेशन हो जाता है। ट्रेन से मुझे पाला पड़ते रहता है, इसीलिए मैंने ये ट्रेन का बैकग्राउंड लगा दिया है। डिप्रेशन के बारे में एक मैंने वीडियो देखा था, हमारे धनबाद के हीरो हैं, चलिए हीरो को मनोज भाई, तो मनोज देव का नाम है, तो मनोज भाई हमारे धनबाद के हीरो हैं और हम लोग इनको देखकर मोटिवेट फील करते हैं, हम लोगों को एक एनर्जी मिलती है। इनका मैंने काफ़ी सारा वीडियो देखा है, बहुत सपोर्ट मिलता है मुझे और बहुत सारा वीडियो आज भी मैं देखता हूँ और इनको देख के एक एनर्जी फील होता है। और एक क्वेश्चन मैंने डाला था अभी थोड़ी देर पहले, तो मनोज भाई से एक वीडियो में मैंने देखा था कि मनोज भाई को किसी सब्सक्राइबर ने उनसे पूछा था कि आप जब डिमोटिवेट होते हैं तो क्या करते हैं, तो मनोज भाई अपने वीडियो में बताए हैं कि मैं डिमोटिवेट होता ही नहीं था। क्यों? क्योंकि उस वक्त भी मैं काम करता था, मैं वीडियो बनाता था यूट्यूब पर, लेकिन मैं काम करता था, मोबाइल बनाया करता था, तो पैसे मेरे पास तो आते ही थे, इसीलिए मैं डिमोटिवेट नहीं होता था। तो फिर मैंने सोचा कि क्या जिसके पास पैसे हैं, जो अमीर लोग हैं, तो फिर इसका मतलब है कि वो डिप्रेस नहीं होते होंगे, डिप्रेशन में डिमोटिवेट नहीं होते होंगे। क्या ये सही है कि क्या जिसके पास पैसे नहीं, जिस पैसे हैं पर्याप्त मात्रा में, क्या वो डिमोटिवेट नहीं होते हैं? यही क्वेश्चन मैंने पोस्ट में डाला। अभी तक जो मुझे वोटिंग मिला है उसमें से ज़्यादा वोटिंग मिला है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे जिसके पास पैसे होते हैं पर्याप्त मात्रा में वो डिमोटिवेट नहीं होते हैं, लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि पैसे होने के बावजूद भी लोग डिप्रेस होते हैं, तो मैं भी यही समझता हूँ। लेकिन फिर भी अब जितना वोटिंग मिला हुआ है उसके अनुसार मुझे कहना पड़ेगा जिसके पास पैसे होते हैं, वो डिमोटिवेट नहीं होते हैं, लेकिन वैसी बात नहीं है। मेरे चैनल में ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं तो वहाँ पे कम्प्लीटली आपको करेक्ट जवाब मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिसके पास पैसा होता है डिप्रेशन में नहीं आता है, ऐसा नहीं समझता मैं। मुझे एक कहानी याद आ रही है, एक मूवी की कहानी मैंने देखा था, ये मूवी कौन सा मूवी था तो मैं बता रहा था, स्टोरी क्या लव स्टोरी है, तो लव स्टोरी लिखा हुआ तो लव स्टोरी ही होगा, लेकिन इसकी एक अच्छी चीज़ मुझे लगा, इसमें एक अच्छा स्टोरी जो दिया हुआ है, क्या है कि तुषार कपूर के पास काफ़ी पैसा है और ऐसा टाकिया अपने लाइफ के लिए, अपने करियर के लिए जूझ रही है। अब क्या है कि एक दिन बात में तुषार कपूर उसको जो है मन ही मन चाह रहा है, वो सोचता है कि मेरे पास इतना पैसा है, निश्चित रूप से शादी करेगी तो किससे करेगी, मुझसे ही करेगी, और वैसे भी मैं फिल्म का हीरो हूँ तो मुझे ही शादी करेगी। अब क्या है कि वो बातों में पता चलता है उसको कि वो जो एक्ट्रेस है ऐसा टाकिया, वो पूछती है कि तुम मतलब क्या काम करते हो, तो बोलता है मुझे काम करने की क्या ज़रूरत है, मेरे पास सारा कुछ तो है, गाड़ी है, ये सारा इतना धन दौलत है, मैं क्यों काम करूँगा, मुझे काम करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो फिर वो जो है उससे इम्प्रेस नहीं होती, वो बोलती है कि अपना कोई वजूद होना चाहिए, और अपना कुछ आप करते हैं लाइफ में जो आपको फेमस बनाता है वैसा होना चाहिए। जब उसके विचार को जानता है तो फिर जो है वो डिप्रेशन में चला जाता है, उसके पास पैसा तो बहुत है लेकिन जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो लाइफ में ये बहुत बड़ा मायने रखता है कि आप जो चाहते हैं अगर वो चीज़ आपको नहीं मिलता तो फिर आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। अब क्या होता है, वो अचानक से गायब हो जाता है, कहीं चला जाता है। जब एक्ट्रेस जो है उसको पूछने के लिए जाती है, वो दोनों फ्रेंड रहते हैं उस समय, तो जब पूछने के लिए जाती है कि वो कहाँ गया, तो उसको पता चलता है कि वो अचानक से बिना किसी को बताए मुंबई चला गया, क्योंकि उसको एक इंसल्ट हो गया, उसको जो है एक उसके पास जो होना चाहिए, जो उस लड़की चाह रही है उसमें, जो जिस प्रकार का लड़का चाह रही है वो चीज़ वो उसके अंदर नहीं है, वो कुछ भी अपने आप में उसका कोई वजूद नहीं है, इसीलिए वो चला जाता है। वो जो कोर्स किया हुआ रहता है उसका कुछ ट्रेनिंग लेने के लिए या फिर उसको वर्क में कन्वर्ट करने के लिए चला जाता है, वो काम सीखने के लिए, और फिर इस स्टोरी पे उसके बाद फिर वो रिटर्न आता है। मतलब इस स्टोरी से आपको पता चलता है कि जो जिसके पास पैसे हैं वो भी डिप्रेशन में जा सकता है, यही चीज़ है। अब जो है डिप्रेशन मेरे साथ जो है, मेरा वर्क का लॉस हो रहा है, तो घर में कोई है नहीं,
सारा घर का काम मुझे ही करना है, थोड़ा सा टाइम मिलता है, आज संडे है, थोड़ा सा टाइम मिला, नहीं तो फिर टाइम मिलने वाला बीच में नहीं है, मैं अपना वीडियो भी नहीं डाल पा रहा। अब वीडियो अगर मैं नहीं डाल पाता हूं, अगर मैं वर्क नहीं कर पाता अपने चैनल पे, तो क्या होगा, चैनल बहुत मेहनत से ऊपर बढ़ता है, बहुत मेहनत से व्यूज बढ़ता है, वॉच टाइम बढ़ता है, लेकिन जब आप जैसे ही छोड़ते हैं, थोड़ा सा काम कम हो जाता है, वैसे ही धड़ाम से गिरता है, तो ये स्थिति आ जाता है, तो जिसकी वजह से डिप्रेशन आना स्वाभाविक है, अदरवाइज वैसा कोई भी बात नहीं है। इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, घर में अभी मैं अकेला हूँ, हम मेरे पिताजी हैं, तो सारा काम करना ही करना है। मैं अकेला रहता तो कुछ भी खा पी के चला सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे साथ। अभी थोड़े दिनों के लिए मैं काफ़ी डिस्टर्ब ही रहूँगा, पता नहीं मेरा चैनल अभी कितना गिरेगा, कोई बात नहीं है, किसी तरह मैनेज करना होगा। वैसे मैंने जो बात कही है, मनोज भाई ने जो कहा था कि डिप्रेशन पैसे रहने की वजह से नहीं आते हैं, तो थोड़ा सा मैं उल्टा कह रहा हूँ। इसलिए वैसे तो मनोज भाई अपने बारे में बोले थे कि मैं डिप्रेस नहीं होता था, मैं डिमोटिवेट नहीं होता था, लेकिन कोई और होगा कि नहीं, तो इसके बारे में नहीं बोले थे। इसलिए जो है, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि पैसे रहने के बावजूद भी डिप्रेशन आ सकता है, लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, और प्रॉब्लम्स को थैंक्स बोलना चाहिए, बोले थैंक्स प्रॉब्लम को, प्रॉब्लम तो हमारे लाइफ में जो समस्या बढ़ा रही, प्रॉब्लम उसको थैंक्स क्यों बोले, तो प्रॉब्लम्स को थैंक्स बोलना चाहिए, इसलिए क्योंकि अगर प्रॉब्लम नहीं आता तो हम सॉल्यूशन नहीं ढूंढते, और हम सॉल्यूशन नहीं ढूंढते तो फिर हम आगे नहीं बढ़ते। अगर मेरे पास ये इतना प्रॉब्लम नहीं आता तो मैं आज यूट्यूब पे काम शायद नहीं करता, और जिसके पास जितना प्रॉब्लम आया उसको उतना बड़ा आदमी बनने का मौका मिला। लेकिन प्रॉब्लम को फेस करके, प्रॉब्लम को पार करके, अगर आप प्रॉब्लम को पार नहीं कर पाते हैं, फंस जाते हैं, तो फिर आप वहीं पे आपका सब कुछ खत्म हो जाता है और आपको कोई जानता भी नहीं, आप किसी भी तरह से एक बड़े आदमी नहीं बन सकते। तो थैंक्स प्रॉब्लम कि हम लोग उसको फेस करके आगे बढ़ें और जिंदगी में कुछ डिफरेंट कर पाएं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको मैं यही बतलाना चाहता हूं कि आपके लाइफ में, किसी के भी लाइफ में प्रॉब्लम श्योर आने वाले हैं, श्योर, और उस प्रॉब्लम को आपको फेस करके पार होना है। तो यही चीज मैं इस वीडियो में बतलाना चाह रहा था। उम्मीद करता हूं कि हमारा ये वीडियो आप लोगों के लिए एक हेल्पफुल वीडियो होगा, प्रेरणादायक वीडियो होगा, और इसी तरह का एक अदर टॉपिक, न्यू टॉपिक, अच्छा टॉपिक लेके मैं नेक्स्ट वीक में मिलने का प्रयास करूंगा, क्योंकि प्रॉब्लम अभी चल ही रहा है। अगर नहीं आ पाया तो उसके नेक्स्ट में जरूर आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।